अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह करने एवं लोगों को जागरूक करने के लिए आज छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में महिलाओं द्वारा बाइक रैली निकाली गई, जिसे लोगों का भारी जन समर्थन मिला। बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए क्षेत्र के राम भक्त अनवरत रूप से अपनी सेवा दे रहे हैं, जिसमें शिवरी नारायण की जनता भी पीछे नहीं है। वो खुले दिल से श्री राम नाम पर मंदिर के लिए दान कर रहे हैं। आज शिवरी नारायण में सैकड़ों की तादाद में एकत्रित महिला व युवतियों ने निधि संग्रह के लिए बाइक रैली निकालकर जन जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान राम भक्तों को आम जनता का भारी समर्थन मिला। जहां से भी बाइक रैली गुजरी, लोगों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया, साथ ही फूल भी बरसाए। बताते चले कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एक अभियान चलाया गया है, जिसके तहत लोगों से राम मंदिर के लिए सहयोग लिया जा रहा है। खास बात यह है कि लोग भी खुलकर राम मंदिर के लिए चंदा यानी दान कर रहे हैं। बताते चले कि अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह करने एवं लोगों को जागरूक करने के लिए आज छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में महिलाओं द्वारा बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों से राम मंदिर के निर्माण में सहयोग देने का आह्वान भी किया गया। जांजगीर चांपा से भगवान श्री राम निधि समर्पण अभियान के लिए आज प्रत्येक वार्ड से प्रचार प्रसार के लिए निधि टोली निकली है, और वो टोली पूरे राम भक्त का राम धुन गाते हुए डीजे के साथ पूरा जन जागरण अभियान चलाते हुए निधि समर्पण के लिए सब द्वार द्वार जा रहे हैं। निधि समर्पण के लिए कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर से हमें सहयोग ना मिल रहा हो, सभी घरों से अपेक्षित सहयोग मिल रहा है, अपेक्षित से ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। हम लोग कूपन पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, इतना सहयोग हमारे हिंदू समाज के भाई लोग और ख़ास करके श्रीनारायण से अपार सफलता हमको मिल रही है। मानो भगवान हमारे साथ साथ चल रहा है और भगवान के काम को हम लोग करने में अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। आपका परिचय? मैं संजू बंजारे, ये श्री राम भक्त और श्रीनारायण मंडल भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष हूँ। निकाला जा रहा है, डीजे बैंड बज रहे हैं, कलेक्शन काटी जा रही है, बताएंगे आज शिवरायण को देख के ऐसा लगता है कि जो राम राज्य की परिकल्पना हमारे बुजुर्गों ने की थी वह चारों ओर व्याप्त होता दिख रहा है। हर गली हर मोहल्ले में जो टोली निकली राम भक्तों की निधि समर्पण राशि के लिए, उसका उत्साह तो बनता है, लेकिन जो निधि देने वाले हैं उनका उत्साह और चार गुना ज़्यादा है। लोग हमें बुला बुला के अपने घरों में, कोई आरती कर रहा है, कोई माला पहना रहा है, और सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। किसी घर से भी, किसी हिंदू परिवार से हम वापस नहीं आए हैं, मानो आज राम भगवान स्वयं हमारे साथ आगे आगे चल रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। आप सभी हृदय से राम प्रेमियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद है कि अभी जब से अयोध्या मंदिर का मतलब निर्माण होने का शुरुआत हुआ है, तब से मतलब जन जन के मन में ये भावना जगी है कि हम अपने प्रभु, हम जिस तरह अपने घर में रहते हैं उसी तरह प्रभु राम जी भी अपने घर में रहें। 500 वर्षों तक क्या है, वो अपने घर में नहीं रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये समय जो है हम सभी लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक समय है, और राम नाम के से हम क्या कहते हैं एक अलग जगा रहे हैं, ताकि सभी के मन में राम की जो नाम है वह जगे, और हम सभी जो हैं उनके मंदिर निर्माण के लिए बराबर सहयोग करें, ये हम सबकी कामना है। गर्व महसूस कर रहे हैं हम लोग इस में शामिल होकर, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा सहयोग दे रहे हैं हम अपने देश के लिए। हमारी संस्कृति हमको यही सिखाती है कि हम अपने जितने भी पुराने कल्चर हैं उसको आगे बढ़ाएं, तो ये चीज़ हम भी उसमें करके शामिल हो रहे हैं ये सब में, इसलिए हम आगे बढ़ाना चाहते हैं ये सब चीज़ को, ताकि हमारी भी आगे पीढ़ी आए तो उनको भी हम सिखा सकें कि राम नाम कितनी बड़ी नाम है और उसकी पूजा करना क्या होता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.